नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ हूं नीजा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो रविवार दोपहर तक सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो निकाय चुनाव में जो पार्टी सबसे अच्छे तरीके से उभर के नजर आई है वो भाजपा रही है, यानी बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपना दमखम खूब दिखाया। और जो सेमीफाइनल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, उसमें जो बीजेपी है वो जीत चुकी है। तो सेमीफाइनल लोकसभा चुनाव का निकाय चुनाव को कहा जा रहा था और बीजेपी ने उसमें जीत हासिल कर ली है। अब ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी में पार्टी ने मेयर के 17 सीट में से एक भी सीट जीत नहीं पाई है, जिसके बाद से अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव भी थे जिसके भी नतीजे घोषित कर दिए गए थे। 96 सीट पर भी अखिलेश यादव जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव होने थे। अब ऐसे में उन दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हार मिली है और बीजेपी ने ही अपना जीत का दमखम वहां पे भी जीत का परचम वहां भी लहराया। ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव की खुद की पार्टी के जो जितने भी उम्मीदवार हैं अब उन पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका ये मानना है कि अखिलेश यादव की जो नेतृत्व है सरकार को चलाने की वो बिल्कुल गलत है। जब से यादव ने सपा की जो बागडोर है वो संभाली है, तब से ही जो सपा है उसे इलेक्शंस में जीत हासिल नहीं हो रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे लोग प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। लोगों को सपा पे अब उम्मीद नहीं रह गई है जो कि मुलायम सिंह यादव के समय में थी। अब देख रहे हैं काफी दिलचस्प होगा उम्मीदवार उठा रही हैं, क्योंकि ना तो निकाय चुनाव में जीत हासिल हुई है सपा को और ना ही दो उपचुनाव जो हुए हैं, 2 सीटों पर विधान जो उपचुनाव हुए हैं स्वार सीट पर हुए और 96 सीट पर जो उपचुनाव हुए थे, उन दोनों ही सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में ना ही निकाय चुनाव और ना ही उपचुनाव, दोनों में ही सपा को हार का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से जो उम्मीदवार हैं अब ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी के खुद के उम्मीदवार उन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वैसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी पार्टी को तैयार करते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीत पाए। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।